जीवन उत्साह न्यूज की आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आम जनता के लिए 23 अप्रैल से खुलेंगे राष्ट्रपति निवास के दरवाजे। आम जनता और सैलानियों के लिए 23 अप्रैल से शिमला में पहली बार राष्ट्रपति निवास रिट्रीट के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। अपने शिमला प्रवास के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आधिकारिक रूप से इस ऐतिहासिक धरोहर को आम जनता के लिए खोलने की घोषणा करेंगी। देश विदेश से आने वाले पर्यटक निर्धारित प्रवेश शुल्क पर यहाँ भ्रमण कर सकेंगे। भारतीय नागरिकों के लिए 50 रुपये प्रति व्यक्ति और विदेशी नागरिकों के लिए 250 रुपए प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। वरिष्ठ न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। इस संबंध में कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी हो गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सवीना की सेवानिवृत्ति पर जस्टिस तरलोक सिंह चौहान 20 अप्रैल से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। हिमाचल में 376 नए कोरोना पॉजिटिव, सक्रिय मामलों की संख्या 1905 पहुंची। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 376 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 1905 हो गई है। सोमवार को प्रदेश में 5320 लोगों के सैंपल लिए गए। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि प्रदेश में 340 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश के अस्पतालों में 30 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती की गाड़ी पलटी, बाल बाल बचे। हिमाचल प्रदेश के ऊना सदर से विधायक व भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती मंगलवार को एक सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। भाजपा सह मीडिया प्रभारी कर्णनंदा ने बताया कि मंगलवार सुबह ऊना से हमीरपुर जाते समय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती की गाड़ी लठियानी के पास पलटी। गनीमत रही कि हादसे में किसी को गहरी चोट नहीं आई। स्थानीय अस्पताल में उपचार के बाद विधायक को छुट्टी दे दी गई। सफल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, बलजीत कौर सुरक्षित अपने कैंप पहुंची। माउंट अन्नपूर्णा पर कैंप 4 के ऊपर से लापता हुई भारतीय पर्वतारोही बलजीत कौर का पता चल गया है और वह जीवित हैं। पर्वतारोहण अभियान के एक आयोजक ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पायनियर एडवेंचर के अध्यक्ष प्रसंग सेरवा ने बताया कि एक हवाई खोज दल ने बलजीत कौर का पता लगा लिया है। उन्होंने कल पूरक ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना ही दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी को फतह किया था। 4 दिवसीय दौरे पर शिमला पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, हुआ जोरदार स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को शिमला पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शिमला के कल्याणी हेलीपैड मशोबरा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल्याणी हेलीपैड पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति के साथ उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। हिमाचल में JBT बैच वाइज भर्ती के लिए BEd डिग्री धारक भी होंगे पात्र। हिमाचल प्रदेश में JBT की बैच वाइज भर्ती के लिए BEd डिग्री धारक भी पात्र होंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत स्पष्टीकरण जारी कर बीते कई माह से संघर्षरत JBT प्रशिक्षुओं को झटका दे दिया है। NCTE की ओर से 29/6/2018 को जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक BEd वाले भी JBT के पदों पर पात्र होंगे, लेकिन नियुक्ति के बाद 2 साल के भीतर उन्हें 6 महीने का कोर्स करना अनिवार्य रहेगा। RS बाली ने नगरोटा के सिविल अस्पताल को दिया ट्रूनेट मशीन का तोहफा। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष व पर्यटन विकास बोर्ड के अध्यक्ष RS बाली ने कहा कि सुक्खू सरकार राज्य में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोमवार को नगरोटा भगवान विधानसभा क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य क्षेत्र की बड़ी सौगात दी। उन्होंने नगरोटा के सिविल अस्पताल में ट्रूनेट मशीन का तोहफा दिया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को घर द्वार पर हेल्थ चेकअप से लेकर निशुल्क टेस्ट सुविधा मिलेगी। G20 के लिए आज पहुंचेंगे 20 देशों के मेहमान, कल से शुरू होगा सम्मेलन।
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला में G20 शिखर सम्मेलन के लिए मंगलवार से मेहमान पहुंचेंगे। 19 और 20 अप्रैल को होने वाले सम्मेलन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर चर्चा के लिए विभिन्न देशों के 70 प्रतिनिधि धर्मशाला पहुंचेंगे। हिमाचल में उनके प्रवास को यादगार बनाने के लिए तमाम प्रबंध किए गए हैं। विदेशी मेहमानों को हिमाचल और कांगड़ा की विरासत, कल्चर के साथ खान पान, कला, हैंडीक्राफ्ट से भी रूबरू करवाया जाएगा। हिमाचल में दो दिन भारी बारिश, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के मैदानी व मध्य पर्वतीय कई भागों में आज व कल भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कई भागों में 22 अप्रैल तक मौसम खराब बना रहने की संभावना है। राजधानी शिमला में भी मौसम खराब बना हुआ है। दोपहर के समय बूंदाबांदी भी हुई। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय कई भागों में 22 अप्रैल तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है।